हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं कि अब अगस्त की सीरीज स्टार्ट हो गई है। अब जुलाई की सीरीज में हमने देखा था कि मार्केट स्टेबल रही, मार्केट ऊपर 11,300 के आसपास जाके क्लोजिंग देने में कामयाब रहे गाइस। अब अगस्त की सीरीज स्टार्ट हो गई है, अब हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो अगर हम डेली बेसिस में बाय करते हुए चलते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और गाइस, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसपे मैं खुद वो पर्टिकुलर 3 शेयर अगस्त की सीरीज में बाय करने वाला हूँ, 1 महीने के लिए यानी कि बाय करने वाला हूँ, और अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाऊंगा। गाइज, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाके ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे, वरना इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। जाके डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करेंगे तो आप जाके मेरी तीनों वो स्टॉक्स की वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल रखे। उसके साथ परफेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस आपको दे रखा है, कितने टाइम पीरियड में उसका टारगेट हिट होने वाला है, कहीं जाके ज़रूर देखिए। बिल्कुल अपने बॉटम पे है, आपको स्टॉप लॉस बहुत बहुत माइनर रखना है और आपके टारगेट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। सो गाइस, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा और शेयर हर बंदे के साथ करिएगा जिसके साथ भी आप कर सकते हैं। गाइस, अगस्त की सीरीज स्टार्ट हो गई है, मंडे का सेशन ओपन होगा 29th of July को। सो गाइस, कौन से स्टॉक्स हैं जो हम बाय करके चले, आप देख सकते हैं कि अब अगस्त की सीरीज पे जो जो मैं आपको स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स मैं आपको दूंगा उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपको ये 5 स्टॉक्स मंडे की ट्रेड के लिए दूंगा। उसके साइड में मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इन 5 स्टॉक्स के लिए भी, और साइड बाय साइड मार्केट में लाइव जब मार्केट ओपन होगी तो उस पर भी आपको 1 या 2 कॉल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और इसके बारे में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करा दी जाएगी कि इन 5ों ट्रेड में आपको क्या करना है। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन पे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक है टेलीग्राम चैनल का भी, @TradeDealers करके है। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी करेंगे तो भी आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और आप जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो गाइस, जाके ज़रूर देखिए ट्रेड टॉक की सीरीज, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं अपनी 5 ट्रेड टॉक की सीरीज लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मारुति, रिलायंस, HDFC, L&T, ये बहुत स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जाके उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में चेक करिए और लाभ उठा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जुलाई अगस्त की सीरीज के मंडे ट्रेड के पहले स्टॉक की तरफ, जो कि है टिन प्लेट। गाइस, टिन प्लेट बाय करने की सलाह दी जाएगी 120, आप देख सकते हैं जैसा कि आपको नीचे शो कर रहा है करंट मार्केट प्राइस है, 121 के ऊपर बाय करना है। 124.5 128 तक के लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिन प्लेट के अंदर, अगर 121 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही। गाइस, ये जो आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी हैं और साइड बाय साइड आपको जो दूसरा टारगेट दिख रहा है, देख सकते हैं पहला टारगेट जो होता है वो होता है इंट्राडे के लिए, दूसरा टारगेट होता है वो होता है 2 या 3 दिन के पर्पस से, यानी कि जिसके पर्टिकुलर जिस पर्सन के पास कैपेसिटी है कि वो इस स्टॉक को होल्ड कर सकता है, हम देख सकते हैं पोजिशन होल्ड करके चल सकता है, सो उसके लिए ये हम सेकेंड टारगेट लेकर चलते हैं कि अगर वो उसे इंट्राडे पोजिशन में एग्जिट नहीं करना, अगर वो होल्ड करना चाहता है तो सेकेंड टारगेट उसके लिए 128 है। स्टॉप लॉस 118.5 आपको मेंटेन करना पड़ेगा टिन प्लेट के अंदर। सेकंड आता है L&T फाइनेंस होल्डिंग। गाइस, बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पे, 106 का पहला टारगेट, 110 का इसका सेकंड टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 99 मेंटेन करना है। गाइस, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको फ्राइडे के सेशन पे दिया था और आप देख सकते हैं मैंने आपको 101 के लेवल पे बोला था कि 110 का लेवल अचीव हो जाएगा 3 या 4 दिन के अंदर अंदर, और आप देख सकते हैं कि अगर आप L&T हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग का हाई देखेंगे तो 107 तक गया था वो गाइस, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने प्रॉफिट भी अर्न करा था, आप जाके देख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, जब 383 के ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिवली सस्टेन करता है इसके ऊपर तो हम बाय करेंगे। 387-390 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 377 का मेंटेन करना होगा स्ट्रिक्टली। TVS मोटर्स बाय करने की सलाह, 372 पे आपको बाय करना है, 378-381 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं TVS मोटर के अंदर, स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है 368 का करना होगा। एक्सिस बैंक्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, 728 आपको लेवल है जो बाय करना है, 734-737 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक्सिस बैंक के अंदर, स्टॉप लॉस आपको 724 का मेंटेन करना पड़ेगा एक्सिस बैंक के अंदर। गाइज, ये 5 स्टॉक्स हैं जो आप मंडे के सेशन के अंदर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, जिस लेवल पे आपको बाय बोला गया उसी लेवल पे बाय करना है, उसका मतलब ये है कि उस लेवल पे सस्टेन करना ज़रूरी है। गाइज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
जो भी आपको टारगेट्स दिए जाते हैं आप पूरे टारगेट्स के लिए बिल्कुल भी वेट ना करा करिए। हो सकता है कि 25-30 पैसा या 25-30-50 पैसा तक वो नीचे गया और वहाँ से वो दोबारा फिसल जाता है। सो अगर आपको टारगेट के कुछ पॉइंट्स आसपास अगर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, पूरे टारगेट के लिए बिल्कुल भी वेट ना करा करिए। गाइज ये 5 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए आपको बता दिए गए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की भी वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा संडे को, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, जो भी मैं अगस्त सीरीज में स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ और क्लाइंट्स को बाय करवाने वाला हूँ, जाके आप ज़रूर देखिए, आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड अर्न करेंगे। और साइड बाय साइड अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल टू डिटेल पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कैसे एनालिसिस करी जाती है वो सीखनी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसमें क्या लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहीं जाके आप ज़रूर मेरी ट्रेड टॉक की सीरीज़ देखिएगा। सब कुछ डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ सब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जाके एक बार आप डिस्क्रिप्शन को देखिए ज़रूर। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली मैं वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ ट्रेड टॉक की सीरीज़ के लिए। और गाइस आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, और आपने अभी तक मेरी जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंट्राडे कॉल्स की, आपको उस पर प्रॉफिट होता है या नहीं होता, या पर्टिकुलर कौन से स्टॉक पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे हर वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं सबसे पहले देखकर।